सो जय श्री राम, एक नया व्लॉग, जय माता की। सो अब हम जा रहे हैं चढ़ाई करने दरबार के पास, थोड़ा अभी ना रास्ते में है, अभी कार्ड वगैरह लिया था, बाढ़ गंगा जाएंगे सबसे पहले। सो यहाँ से आप ऑटो वगैरह भी ले सकते हो, पर हमने ऑटो नहीं लिया क्योंकि हम चढ़ाई करना चाहते हैं खुद अपने पैरों से पूरी वैष्णो धाम की। सो अब चलते हैं, पहले थोड़ा पैदल चलते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे चढ़ाई पे, फिर वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फैमिली हम आ चुके हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, यहाँ से हमें ना कार्ड मिलेगा। सो हम अब चल पड़े हैं, सुबह के बज चुके हैं 5, तो यहाँ पे हम ना कार्ड लेंगे पहले ऊपर जाने के लिए। इस तरह जाना पड़ेगा आप सभी को कार्ड लेने के लिए। खड़े हैं वन बाय वन, हमारा चाचा का नंबर आ चुका है, मम्मी वो सामने लाइन में है। हमने कार्ड ले लिया है, ठीक है, और हमने जय माता का बांधने के लिए सर पे वो भी ले लिया। सो अब चलेंगे चढ़ाई करने। हो चुके एक बार फिर यहाँ पे जय माता की, बच गया ना एकदम में। कौन है? तो मैं सो चल रहे मम्मा और राहुल आगे, वो सामने है ना, वहाँ से अपना गेट स्टार्ट हो जाएगा, मेन गेट। और मम्मी मेरे साथ चल रही है, सारे हमें जब सुबह 6 बजे होंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा माता का, वो सामने चोटी पे जाना हमें, और अभी हम यहाँ पे हैं, बहुत नीचे हैं अभी तो। मम्मी और कितने खुश हो रहे हैं मम्मी? हाँ, कैसा लगा? जय माता की, जय माता की। सो अभी वहाँ बिल्कुल ऊपर जाना है अभी हमें। सो यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, अभी ना दुकानें वगैरह खुली नहीं है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं अभी। अब हम ना थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे भाई के खोके से, क्योंकि आगे जाके ना चाय वाला कुछ है नहीं, फिर सुबह का भी कुछ खाया नहीं है, तो चाय पी के फिर अपनी चढ़ाई करेंगे। ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं लाइन में, ये देखो चढ़ेंगे। दो हमारे पहलवान आए हैं बॉडी गार्ड, बढ़िया बढ़िया। फैमिली चाय बहुत मस्त है यहाँ की, इसके बाद ट्राई करने वाले हैं हम। एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है, और आपको ना कदम कदम पे यहाँ पे माता की मूर्तियाँ और शॉप्स वगैरह बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। और मंदिर बहुत ज्यादा है, हनुमान जी शिव जी सारे, हनुमान जी के सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं। तो अभी थोड़ा उजाला हो चुका है, ठीक है, हम चल रहे हैं, थोड़ा अभी मेन गेट के पास नहीं पहुँच पाए हैं, बस पहुँचने वाले हैं जस्ट, फिर आपसे माफी मिलती है। सो यहाँ पे देखो माता वाला जो हमने सर पे बांध रखा है, माता वाले बैंड्स देखो कितने सारे हैं यार यहाँ पे। सो यहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है मन्नत मांग के जाती है, सो फिर कभी मन्नत पूरी हो जाती है तो इसको निकाल के जाते हैं, कितना बहुत ज़्यादा लगा रखे यार। देखो तो सामने गेट है ना, वो है मेन गेट, तो हमें यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा पहले सभी को, इस लाइन से फिर अंदर की तरफ जाएंगे चेकिंग होके। दरबार के पास पहुँच चुके हैं बिल्कुल मेन गेट के, जहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, चेकिंग वगैरह होगी। और वो देखो सामने LED लग रखी है, सो इस पे ना लाइव दर्शन होते हैं माता जी के। सो फाइनली हम चेकिंग करा के अब स्टार्ट हो चुके हैं यात्रा करने के लिए। हमारा सोनू खो चुका है फिलहाल। सब मम्मी यात्रा करना स्टार्ट कर रहे हैं हम सारे के सारे। सबसे पहले अब हम जा रहे हैं बाढ़ गंगा, वहाँ पे थोड़ा स्नान करेंगे, थोड़ा नहाए वगैरेंगे, ठीक है, थोड़ा नहाएंगे और उसके बाद फिर और दोबारा स्टार्ट कर देंगे चढ़ाई। चलो चलो चलो, नाचना है क्या किसी को? ये है गुलशन जी का लंगर, जहाँ पे लंगर होता है 24 घंटे। तो हम यहाँ चलेंगे सीधा सामने, क्योंकि लंगर अभी नहीं खाएंगे, पहले चढ़ाई कर लेते हैं यार वो सामने, इसको झूलने की पड़ी है। पालकी की अगर टिकट वगैरह लेनी है तो यहाँ से मिलेगी, बोरा बुकिंग काउंटर। सो हम पालकी में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास अधेड़ उम्र का कोई भी नहीं है। पालकी में हमारा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास अधेड़ उम्र का कोई नहीं है।
इसकी सवारी करोगे तो इसके चार्ज अलग लगेंगे, इसके बहुत ज़्यादा चार्ज हैं तो हम नहीं जा पाएंगे इसमें। फैमिली यहाँ से देखो खाई कितने ऊपर आ चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ ना थोड़ा फोटो सेशन हो रहा है क्योंकि ना पीछे पहाड़ियाँ बहुत बढ़िया लग रही हैं। तूने खिंचाली है? खिंचाली क्या? मैं फोटो खिंचाता हूँ, मैं खिंचाऊंगा भैया के साथ खड़े हो। चलो के बाद ना, चलो चलो अर्धकुंवारी के बाद चीज अर्धकुंवारी है। चलो मैं यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं। जय माता की, जय माता की। सो थक चुके सभी के सभी, मैंने सुनी। मामा ज्यादा थक चुका है इस टाइम, मामा के पेट में दर्द हो चुका है अभी से। सो अब थोड़े यहाँ पे ना अभी रेस्ट करके फिर चलेंगे तुम्हारी चढ़ाई करने। फैमिली फाइनली हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका, तो यहाँ पे ना थोड़ा दर्शन वगैरह करेंगे। लग रहा है अभी खुला है, शायद नहीं खुला, बंद है क्या? शायद। सो फिलहाल तो अभी बंद है, आते समय दर्शन कर लेंगे यहाँ पे सारे मंदिरों के दर्शन। फैमिली ये देखो हम थक गए, मामा पता नहीं किस तरह आगे चल गए, वो आगे मामा जा रहे हैं। मामा तो पूरी भाग रही है, अरे चार्ज भी लाया ना मामा को, एकदम तेज भाग रहे हैं मामा तो यार। एनर्जी ड्रिंक पी के हमारी एनर्जी डाउन हो चुकी है। ये देखो मेरे साथ चलने वाली, मैं तो ये चढ़ जाऊंगी, वह चढ़ जाऊंगी, चढ़ दूंगी पंचर होगी। तो देखो लड़ाई कर रहे हैं राहुल और मोनू, राहुल और मोनू थे वो लड़ रहे हैं। सो भाइयों मम्मी देखो यार बिल्कुल भी नहीं थकी, और मम्मी की एज 55, मेरी मम्मी नहीं थक रही, मेरे मामा थक गए यार। देखो कितनी बढ़िया नज़ारे है यार आके, सामने देखो खाई है बिल्कुल, और श्रद्धालु सभी आ रहे हैं, ये आ रहे दर्शन करके और हम जा रहे हैं दर्शन करने। साइड हो जा बेटा, प्रेम मारा था। ये बड़ा चासुड़ू है, मेरे को लो कैमरे में ले कैमरे, नचवाऊंगा अभी ढोल आ रहा है, नाच करो। ये देखो मेरी अमीरी देखो, राहुल भी चाची 500 का नोट दे रही है। ये सफाई ले लेंगे ऐसे, तो चलते अब दोबारे चढ़ाई। जय माता दी। फैमिली सामने देखो बकरी कहाँ छप्पर के ऊपर चढ़ रखी है, देखो स्टंट कर रही है से यार। काका को लेके जा, इतना बड़ा डाड हो रहा है देखो, इतना बड़ा है गोदी में जा रहे हैं। वाह फैमिली अभी भी नहीं थके हम, अभी फुल एनर्जी है हमारे में। मम्मी थके तो नहीं? नहीं। ले जय माता की, जय माता की। पूरी एनर्जी के साथ चल रहे हैं हम, अब नहीं थकेंगे हम। अर्धकुंवारी जाके वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चढ़ेंगे माता के दर्शन के लिए। लगे लगे ठीक रहेंगे। वो बंदर क्या बैठ के खा रहा है वहाँ पे, रोटी खा रहा है। पेन हो चुका है, सो मामा की मालिश हो रही है अभी थोड़ी, मामा की ना मालिश करवा रहे, थोड़ी बहुत ज़्यादा पेन हो गया मामा के, थोड़ा वेट है भी है ना इसलिए, तो नई तरीके की रिलैक्स करवा रहे हैं।
यहाँ के बंदे देखो कैसे करा रहे हैं यारा, करते रिफ्लेक्स करते यारा, करते रिफ्लेक्स यारा, करते रिफ्लेक्स। आ रहा है राम, फैमिली मामा के लिए हमने कर दिया खर्चा, मामा जा रहा सवारी करके बढ़िया आराम से। अम्मी है मतलब जो पैदल जाएंगे, हम जाएंगे सारे पैदल, मिलते फिर वहाँ पे। ओके बाय। हमें हो चुके हैं चढ़ाई करते करते, ढाई घंटे हो चुके हैं, अभी अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचे हम, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं अर्धकुंवारी। फैमिली फाइनली हम पहुँच चुके हैं, टाइम के बाद दो घंटे ढाई घंटे लगे हैं, अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं इस टाइम, और अब थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाए पियेंगे भैया भैया, ठीक है भैया मेरे को भी, थोड़ा पहले टिकट कटाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना जगह देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, देखो सारे जगह सारे सोए पड़े हैं, धूप बढ़िया ऐसी लग रही है, क्योंकि है ना थोड़ी ठंड भी है इस टाइम, बढ़िया हो रहा है मौसम। सो हम ना जगह देख रहे हैं, कोई छाया में बैठते हैं, कितना बढ़िया यार। अभी 420 चल रहा है ग्रुप नंबर, पूरा पहाड़ के बीच में है ना, ग्रुप नंबर 420 चल रहा है, अभी 420 चल रहा है, अपने टिकट लगवाए थे, चलो टोकन लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, फिर भीड़ हो जाएगी, फिर देखो नंबर आएगा कब, नहीं तो फिर ना सीधा दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये साथ में आपने देखना भवन का रास्ता, इसके अंदर से होके जाएंगे। मम्मी और ने तो अपनी ना सीट बुक कर ली यहाँ पे छाया में, बढ़िया आ रहे हैं अगेन, यात्रा शुरू हो गई हमारी भवन के रास्ते। जय माता दी, जय माता। सारे के सारे चल पड़े हैं यात्रा शुरू, अब देखते हैं कितने घंटे के अंदर पहुँचते हम माता के पास दरबार में। एक ना बहुत बड़ी बात हो गई थी, हमारा लक्की ना पीछे रह गया था और हम आगे चल गए थे, अब रो रहे, देखना क्या हो गया था, तू कहाँ रह गया था, तो रो क्यों रहे, अभी एक भैया से पूछा था रास्ता किधर जाता है, उसने बताया तेरे माँ, तो तू बता क्यों जाता हमें, सोनू को बताया था, उसने मेरे को तो और वो आराम से सोनू को ना बताएगा, वो तेरे को एक दिन घुमा देगा, चल ठीक है अब रो ना, चुप हो जा, मम्मी को बता रहा सारी बात, किसने खाया और उसको दे दिया, बड़ा चंट है ना, घूमने लग रहा था, रो रहा था मामा, रो रहे होगा, बच गया, बच गया सारे के, गुन्नू को जाती तो गुन्नू तो आ जाती है, क्या जाती ना चंट है, मैं उधर ही बैठी रहती तो मुझे ढूंढने के लिए, वो बेचारा वो लक्की ना यार, लक्की बोला है ना मम्मी, बोला है बेचारा वो, चलो शुक्र मिल गया माता रानी की वजह से, पानी की प्यास लगी, यहाँ से थोड़ा पानी पूनी पियेंगे, हाँ ये ठंडा है, पी लिया थोड़ा, कई देर हो गया पानी नहीं पिया था, सब चलते हैं फिर दोबारा अगेन चढ़ाई करने। फैमिली हम देखो कितने ऊपर आ गए हैं, नीचे सारी ना खाई खाई है, ये देखो कितना ऊपर आ गए हैं, भीड़ लगभग इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी कम है, नहीं है कमी है वैसे भीड़ तो, अब रह चुका है एक घंटे का रास्ता और पड़ा है फिर सीधा माता जी के भवन में। तो उसको देखिए पानी देखो कैसे भी रहे, ढक्कन तो मिला नहीं उसको। तो फाइनली हम ना माता के दरबार के बिल्कुल पास आ चुके हैं, सो अभी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखो वो सामने, बस पहुँची के लगभग थोड़ा सा दूर हो गए, ढाई किलोमीटर दूर है बस पहुंचने वाले हैं, लगभग मतलब आधा घंटे बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे, ना तो आधे घंटे पहुंचेंगे, आधा घंटा लगेगा। तो देखिए फैमिली काम पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं इस टाइम, ओ सामने राहुल और चाचा और जा रहे हैं, और पीछे पीछे हम जा रहे हैं, हमारे पीछे मम्मी और सारे हैं, इसके सुनो, हाँ यस बोलो बोलो, जय माता दी, और जोर से बोलो, और जय माता दी, और जय माता दी, ठीक है जय माता, ओ भाई मम्मी पीछे चल रही है, और यहाँ पे देखो यार कितनी ज्यादा खाई है, कितना ऊपर आ चुके हैं इस टाइम हम, यहाँ से ना साफ नहीं दिख रहा वैसे थोड़ा, लेकिन हम बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, वही सबसे एक चीज खतरनाक चीज दिखा, वो
देखो कितने ऊपर है अभी पहाड़, और हम यहाँ सामने माता का मंदिर है वो कितने ऊपर है यार। छोटे देखो यहाँ पे होटल वगैरह बन रखे हैं, किसी को ठहरना है या प्रसाद वगैरह लेने के लिए शॉप्स वगैरह है यहाँ पे। सो हम यहाँ खड़े हैं सारे के सारे, मेरे को वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी यार। सो फैमिली हम अभी जाना थोड़ा नहाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सामने नहाने का है, नीचे लेडीज़ का है वो सामने लिख रखा है, ये लेडीज़ का है और जेंट्स का इधर है। सो हम पहले ना लेडीज़ नहाएंगे फिर हम नहाएंगे, सो उसके बाद दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि दर्शन करने के लिए ना फ़ोन बेल्ट वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, सो हम फ़ोन नहीं ले जा सकते। सो इसके बाद हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे भैरव मंदिर के तरफ चढ़ाई करना, तो बढ़िया है नहाएगा हाँ। नहा धो के और अपने कपड़े चेंज करके सुबह हम जा रहे हैं भवन की तरफ, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। सो उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से, फिर चलेंगे भैरव मंदिर जहाँ पे अपने चढ़ाई करनी है सेकेंड वाली। अब चल रहे हैं, बैग वगैरह जमा करा देंगे लॉकर्स में, उसके बाद फिर हम जाएंगे दर्शन करने माता के, और फिर क्योंकि ना वहाँ पे फोन वगैरह अलाउड नहीं है सो वहाँ पे हम वीडियोस वगैरह नहीं बना पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम भैरव मंदिर की जब चढ़ाई करेंगे वहाँ पे बनाएंगे व्लॉग, तो मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। और कुली हमारा बैग लेके जा रहे हैं ये चिंटू पिंटू निंटू। सो फैमिली फाइनली हम पहुँच चुके हैं, अगेन बाहर आ चुके हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए यार, मजा आ गया दर्शन में ना, फुल मजा आ गया दर्शन में, मतलब 20 सेकंड हम वहीं माता को देखते रहे, दर्शन हो गए बढ़िया। सब चल रहे भैरव की चढ़ाई करने, भैरव मंदिर की तरफ चढ़ाई करने। सो फैमिली हम ना जा तो नीचे से रहे थे, पर हम सोचे सीढ़ियों से ना थोड़ा पास पड़ेगा, पर ना नहीं याद आ गया यार सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया, बस 15-20 चढ़ी है सीढ़ियाँ, अभी से सांस चढ़ गया, देखो अभी कितनी दूर जाना है मैंने, ये देखो सीढ़ियों से सांस चढ़ गया यार, अभी चढ़ जाएगा। सो फैमिली मैं राहुल और समीर और लक्की हम चारों तो सीढ़ियों के सहारे आ गए थे, ठीक है अभी वो आए नहीं, और वो अपने प्लेन एरिया से आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए, थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, देखते कब आते हैं यार। मम्मी आई है सबसे पहले, देख लो 55 साल की मम्मी है फिर भी सबसे पहले आई है, वो इतने यंग प्लेयर अभी तक नहीं आए। मम्मी वेट, चलते इकट्ठे चलेंगे। सो देख लो हमारे यंग प्लेयर नहीं आए अभी तक। भैया सुनो लक्की के पति ने दौड़ लगाओ फिर सीढ़ियों पे। ना ना सीढ़ियों नहीं भाई, प्लेन एरिया से चलेंगे, आ जा। देख लो हमारे यंग प्लेयर पंचर हो चुके पहले, वो जल्दी हम नहीं हुए, आप हुए, मैं तो सीढ़ियां चढ़ के आया था, हम भी सीढ़ियां उतर जाएंगे, सारे के सारे पंचर हो गए हैं। वो देखो यार जंगली जंगल है सारी तरफ ना, सारा जंगल जंगल है, बस एक चढ़ाई और फिर भैरव के मंदिर आ जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे दिखाता हूँ मैं थोड़ा रास्ता आपको, बस वो टॉप पे बचने वाले। सो फैमिली हम भैरव देवता के पास तो ऊपर इतना पहुंच चुके हैं, सो आपको अब दिखाता हूँ पहाड़ों का, देखो कितना बढ़िया सारे पहाड़ पीछे वगैरह बढ़िया दिख रहे हैं, एक नंबर के पहाड़ दिख रहे हैं। सो पहले ना फोटो वगैरह कर लेते हैं मम्मी के साथ, देख दो यहाँ का इन्वायरमेंट और पीछे का बैकग्राउंड ना बहुत सोना आ रहा है, ये देखो पहाड़ी पड़ा है चारों तरफ। मम्मी उधर उधर, बस 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 सारी खाई खाई क्या चक्कर से आ रहे हैं, यहाँ खड़ा हो रहा ना डर से लग रहा है, वो सामने हेलीपैड है वहाँ जहाज उतरते हैं, और हम ना और सबसे ऊपर चोटी में आ चुके हैं ज्यादा ऐसे, वो सामने बैठा है। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर के प्रवेश गेट के पास, देखो सामने श्री भैरव मंदिर भेंट है मेरे पास, ले भी भेंट दे दे रहा हूँ, चलो चलो उनकी भी चढ़ानी। सो फैमिली भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं हमें, अब चल रहे हैं नीचे की तरफ, अब चाचा जी जाएंगे। वो देखो गाइस सामने हेलीपैड, उतर चुका है सो ये ना उड़ने वाला है, अभी छोड़ने आया था अभी उड़ने,
अब हम आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो इतने आराम से आ रहे हैं, बिल्कुल नीचाई है ना, तो इसलिए बिल्कुल आराम से सांस वगैरह कुछ नहीं चल रहा, इतना स्पीड में आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो यार मतलब जब आप नीचे आओगे ना भैरव मंदिर से सीधा सामने से आओगे, और वो रास्ता बहुत अलग है, और मतलब सूखा रास्ता है, सबसे अलग रास्ता है। तो वहीं से आने का आपको बता रहा हूँ मैं पहले, कि वहीं से आना चाहिए वैसे तो। और अगर आपने माता के दर्शन कर लिए और भैरव के देवता के दर्शन नहीं करे तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए हमने भैरव देवता के भी अपने आशीर्वाद लिया और दर्शन किए, और अब आ रहे हैं हम नीचे की तरफ। सो अब मतलब एक घंटे का रास्ता हो रहा है। सो फैमिली अब हम आ चुके हैं ऑलरेडी 7:25 पे हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। तो यहाँ पे ना भी लाइन देखो कितनी ज़्यादा लग रखी है भीड़। सो हमारा नंबर आने वाला नहीं है, तो अभी मेरे मामा आने वाले हैं, उनको देखते हैं, फिर उनको साथ लेके चलेंगे नीचे की तरफ। नंबर नहीं आएगा, कल तक आएगा सुबह तक, तो कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का, क्योंकि कल की हमारी ट्रेन भी है इसलिए। सो हम सारे भी यहीं बैठे हैं लाइन में। सो फैमिली एक बार हम फिर चल पड़े हैं कटरा के लिए नीचे अर्धकुंवारी से। अब देखते हैं कितनी देर बाद हम पहुँचते हैं। मेरे को लग रहा है 2 घंटे लग जाएंगे लगभग, क्योंकि अभी भीड़ भी ज़्यादा है यार। सो फैमिली सारों की चालें देखो बिगड़ चुकी है, और 2 आगे बूढ़ा बूढ़े जा रहे हैं। इनकी भी चाल बिगड़ चुकी है फिलहाल। जितने भी हमारे जा रहे हैं ना, सारा भी चालें बिगड़ी हुई है, आधे रो रहे हैं।